दोस्तों यूपी स्टेट में काफी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और यहाँ बहुत सी प्राइवेट सीटें हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट पर और यहाँ की कट ऑफ काफी कम रहती है। पिछले साल की कट ऑफ के बारे में बात करें तो 157 मार्क्स पर एडमिशन मिला था फर्स्ट राउंड में प्राइवेट सीट पर। तो जो स्टूडेंट यूपी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 5 नवंबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो तब वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि यूपी स्टेट हिडन फीस की चर्चा में हमेशा रहता है लेकिन प्रीवियस 2 ईयर से गवर्नमेंट ने इन प्राइवेट कॉलेजों की फीस पर काफी शिकंजा कसा है क्योंकि इनकी जो ट्यूशन फीस है वो भी फिक्स की है और हॉस्टल फीस अदर फीस वगैरह भी फिक्स की है, फिर भी हिडन फीस तो है ही। तो आज इस वीडियो में हम यूपी स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे क्योंकि यूपी स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस बाकी स्टेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 5 नवंबर से स्टार्ट होंगे तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, उसके बाद में सिक्योरिटी फीस का डिमांड ड्राफ्ट आपको डिपॉजिट करना है। तो इस प्रकार के प्रोसेस से गुजरना है। इसकी जो वेबसाइट है वो www.upneet.gov.in है। इस वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको नोडल सेंटर पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 18 नोडल सेंटर बने हैं और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इन 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के टोटल 9 नोडल सेंटर बने हैं। तो उन नोडल सेंटर की लिस्ट आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो वहां आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और वहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। अभी आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वेरिफिकेशन के लिए ले जाने हैं तो जनरली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं 10th और 12th की मार्कशीट और उसके साथ में सर्टिफिकेट, ये तो आपको नेसेसरी है ही है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल, अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो डोमिसाइल की जरूरत है तो आपको डोमिसाइल ले जाना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट और इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट या फिर कोई डिफेंस कैटेगरी से या फिर फ्रीडम फाइटर का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए वो अपना सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो इस प्रकार से आप इन नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसका जो शेड्यूल है वो इस वेबसाइट www.upneet.gov.in पर दिया जाएगा। तो आप इसको प्रॉपरली चेक करते रहें और जो शेड्यूल दिया गया है उस पर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लें। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी इस वेबसाइट पर दी जाएगी। वैसे अभी जो लिस्ट दी गई है यूपी डीएमए की वेबसाइट पर लिस्ट दे रखी है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करें इसमें इलिजिबिलिटी की, तो बाकी जो इलिजिबिलिटी रहती है वो नीट की ही रहती है। इसमें डोमिसाइल की मैं आपको बता दूं कि जो यूपी स्टेट के कैंडिडेट हैं जो यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको यूपी स्टेट की डोमिसाइल की आवश्यकता होती है। अगर उन्होंने 11th और 12th यूपी स्टेट से कर रखा है तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उनको मार्कशीट प्रोड्यूस करनी होगी। इसके अलावा जिन कैंडिडेट ने यूपी के अलावा एजुकेशन ले रखी है 11th 12th है अदर स्टेट से कर रखा है यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट है तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। तो इस प्रकार से आप
देख सकते हैं इसमें इलिजिबिलिटी। प्राइवेट कॉलेज की कंडीशन में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई किसी प्रकार की डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो 11, 12 यूपी स्टेट से हो, ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट यूपी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर एडमिशन ले सकता है, ये है इसमें डोमिसाइल का रूल। अब बात करें हम रजिस्ट्रेशन फीस की, तो इसमें रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 रुपीज आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए पे करना होगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए आपको 2000 रुपीज पे करना होगा, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही करना होगा। इसमें आप रजिस्ट्रेशन तीनों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे तब भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें। अब इसमें जो फर्स्ट और सेकंड राउंड की रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 रुपीज है। इसके बाद में आपको मॉपअप के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है उन कैंडिडेट को भी मॉपअप राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन करना है, अगर वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपीज है मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यूपी स्टेट में कंडीशन ये होगी कि फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस 2000 पे करनी होगी, और मॉपअप राउंड अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके लिए अलग से फीस 1000 रुपीज पे करनी होगी इसमें। अब हम बात करें सिक्योरिटी मनी की, तो सिक्योरिटी मनी आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कंडीशन में 30000 रुपीज पे करना होगा, ये एज ए सिक्योरिटी में। इसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, नोडल सेंटर पर आपको डिपॉजिट करना होगा। इसके अलावा जो एमबीबीएस प्राइवेट की बात करें हम इसमें, तो एमबीबीएस प्राइवेट की कंडीशन में आपको 2000000 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा 2000000 रुपीज का। इसके बाद में बीडीएस के लिए 1000000 रुपीज का आपको ये ड्राफ्ट बनवाना होगा और नोडल सेंटर पर डिपॉजिट करना होगा। तो ये है हो गई इसकी सिक्योरिटी मनी। तो इस प्रकार से आप इसमें सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में हम बात करें इसकी सीट रिजाइन की, तो इसमें तीन राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड, ये मैंने आपको बताया है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड। तो फर्स्ट राउंड में अगर किसी स्टूडेंट को सीट मिल जाती है, फर्स्ट राउंड में किसी भी स्टूडेंट को अगर सीट मिल जाती है और वो उस पर ज्वाइन कर लेता है, अगर वो उस पर ज्वाइन कर लेता है तो उसको उस सीट पर ज्वाइन करने के बाद वो फिर सोचता है कि मैं इसको रिजाइन करना चाहता हूं, क्योंकि उसको कहीं और कहीं सीट मिल जाती है, जैसे मान लो ऑल इंडिया में मिल जाती है या अदर स्टेट में अगर उसको सीट मिल जाती है और वो उसको रिजाइन करना चाहता है, उस सीट को वो फर्स्ट राउंड वाली सीट को रिजाइन करना चाहता है, तो सेकेंड राउंड की च्वाइस फिलिंग से 2 दिन पहले उस सीट को छोड़ सकता है। वो 2 दिन पहले तक अगर वो सीट छोड़ता है तो उसकी गवर्नमेंट की कंडीशन में उसकी जो ट्यूशन फीस व अदर फीस है उसका 10% डिटेक्ट करके प्लस उसकी जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हुई है वो पूरी की पूरी वापस कर दी जाएगी। यानी कि उसकी जो कॉलेज में ट्यूशन फीस और अदर फीस डिपॉजिट हुई है उनका 10% काट लिया जाएगा और बची हुई ये जो मनी है और इसके अलावा जो सिक्योरिटी मनी उसने 30000 रुपीज करवाई है डिपॉजिट वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये रिजाइन की कंडीशन में मिल जाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कंडीशन में, प्राइवेट एमबीबीएस की सीट की कंडीशन में उसने जो 2000000 रुपए डिपॉजिट किए हैं
ये तो सिक्योरिटी मनी हो गई। इसके अलावा जो उसने कॉलेज की फीस डिपॉजिट की है उसका 10% काट के उसको वापस कर दिया जाएगा। मान लो किसी कॉलेज की फीस 10 लाख रुपीज उसने डिपॉजिट कर दी है, ये सिर्फ ट्यूशन फीस ही कटेगी उसकी। इसमें ट्यूशन फीस प्लस बाकी अदर फीस है वो कटता है, उसका 10% कटता है, इसमें ट्यूशन फीस का 10% कटेगा। मान लो किसी स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया है किसी कॉलेज की ट्यूशन फीस का फर्स्ट राउंड में, तो अगर वो सीट रिजाइन करता है चॉइस फिलिंग के सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक, तो उसकी ट्यूशन फीस से इस फीस से 10% डिटेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपीज ये डिटेक्ट किया जाएगा, और इसके जो 2 लाख उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हुई है वो पूरी की पूरी दे दी जाएगी, यानी कि 9 लाख प्लस 2 लाख 11 लाख रुपए उसको वापस कर दिए जाएंगे, जबकि उसने 12 लाख रुपीज डिपॉजिट किए हैं, तो इस कंडीशन में उसको 11 लाख रुपीज वापस कर दिए जाएंगे। ये इसकी हो गई कंडीशन, ये है सीट रिजाइन की कंडीशन। अब इसमें हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हम बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए इसमें अलग से रजिस्ट्रेशन होता है और मॉपअप राउंड के लिए इसमें अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर मॉपअप राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो मॉपअप राउंड में वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली है। जिन कैंडिडेट को फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट मिल गई है वो मॉपअप राउंड में इलिजिबल नहीं है। जिन कैंडिडेट ने रिजाइन भी कर दिया है फर्स्ट और सेकंड राउंड को, वो भी कैंडिडेट सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मॉपअप राउंड के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन कैंडिडेट को सीट नहीं मिली है फर्स्ट और सेकंड राउंड में, उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर दी, तो मॉपअप राउंड में उनको दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा से पे करनी होगी। तो ये रूल है यूपी गवर्नमेंट के, यूपी की जो 85% काउंसलिंग हो रही है उसके ये रूल है। बाकी इसका जो प्रोस्पेक्ट आएगा, अभी फीस स्ट्रक्चर आएगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, जैसे जैसे ये रिलीज होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी बुक से ले सकते हैं जानकारी, इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नई अपडेट के साथ में, नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।